राष्ट्रीय उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य बोले, अखिलेश के चाचा आजम खान ने छुड़वाए थे बेटी के हत्यारे। बनारस में भाजपा का विपक्षी पार्टियों पर सर्जिकल स्ट्राइक, कांग्रेस और सपा के कई नेता पार्टी में शामिल। अखिलेश यादव का करहल सीट से आज भरेंगे नामांकन, जहां पर नेताजी के परिवार की है जय जयकार। क्या है यहां का जातीय समीकरण? कानपुर में बेकाबू इलेक्ट्रॉनिक बस ने कई गाड़ियों को मारी टक्कर, अब तक 6 लोगों की मौत, कई घायल। उत्तर प्रदेश में कम होने लगी कोरोना वायरस की तीसरी लहर के संक्रमण की रफ्तार, 24 घंटे में 9000 नए केस। आगरा में बोली स्मृति ईरानी, चुनाव से पहले गायब रही कांग्रेस, अब भी गायब है यूपी में, उसने हार मान ली। भाजपा में शामिल हुए आला हजरत खानदान की बहू रही निदा खान, बदलेगा सियासी समीकरण। उत्तराखंड में कांग्रेस के चुनाव प्रचार को धार देंगे राहुल, प्रियंका वर्चुअल रैली के जरिए कार्यकर्ताओं को देंगे जीत का मंत्र। कांग्रेस की तीसरी सूची जारी, सीएम चन्नी 2 सीटों पर लड़ेंगे चुनाव, अदिति सिंह के पति का टिकट कटा। अनुराग ठाकुर बोले, यूपी में 7 साल बनाम 5 साल की लड़ाई, भाजपा 300 सीटें पाने का लक्ष्य पूरा करेगी। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।